हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीबी कॉर्प लिमिटेड से रिलेटेड। 368 रुपीज का स्टॉक है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम आज इसके रिजल्ट भी आए हैं, वो भी हम देखेंगे। हम जानेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल और कंपनी क्या करती है और क्या यहाँ पर कंपनी का चल रहा है। ओके, आज शेयर में गिरावट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो सब चीज से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और चीजों को सीखने पे फोकस करना है। और सीखने का तरीका क्या है, वीडियोस जाके वीडियोस देखिए, बहुत सारी वीडियोस है जहां पर अलग अलग तरीके से आपको यहां पर चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती है, सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ज्यादा सीरियस है, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है, करियर से ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल, हमारे यहाँ पर कोर्स को बाई कर सकते हैं, जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस, टेक्निकल, रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, ये क्यों क्या कैसे के जवाब मिल जाएंगे। जब आपके क्यों क्या कैसे के जवाब मिल गए ना, तो पैसा आपका इजीली बनेगा। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है। एक बार कोर्स कंप्लीट किया है तो बस काम करना है और कुछ नहीं। तो इन नंबरों को नोट कर लीजिए और साथ में अगर काम भी करना है तो भी इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, हमारे साथ उस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, जो जर्नी हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो डीबी कॉर्प, सबसे पहली बात मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि डीबी कॉर्प एक हमारे, हमने यहाँ पर अच्छे खासे पैसे लगाए और यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनाए भी हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में देना है। तो मेरे कहने पर ये शेयर को बाई नहीं करना है, जस्ट एजुकेशन वीडियो है तो एजुकेशन वीडियो के हिसाब से ही आपको लेना है। डीबी कॉर्प की अगर हम बात करें तो कंपनी करती क्या है, यहाँ पर देखिए, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ प्रोवाइडिंग इंटीग्रिटी इंटरनेट मोबाइल इंटरेक्टिव सर्विसेज एंड इवेंट मैनेजमेंट, एंड इट्स ब्रांड इंक्लूड दैनिक भास्कर इन हिंदी, दिव्य भास्कर एंड सौराष्ट्र समाचार, गुजरात डेली, गुजरात डेली एंड दिव्य मराठी, मराठी डेली। तो यहाँ पर बात करें ये क्या है, न्यूज़पेपर का काम करता है, ठीक है, न्यूज से रिलेटेड ये शेयर है। और इनका दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, आप इस चीज को जानते ही है। तो यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पर जाके विजिट कर लीजिए तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको चीजें समझते हैं। तो देखिए मार्केट कैप 6,550 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। मतलब क्या है, मतलब स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीज याद रखिएगा, हमारे चैनल का नाम स्मॉल कैप है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, और हमारी एक्सपर्टीज इसमें है। इसके साथ में आपको अगर मैं आप बात करूं स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप जब शेयर भागते हैं, ठीक है ना, तो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना, जब भागते हैं तो अच्छा पैसा बनाते हैं, बट जब गिरते हैं ना तो वो पैसा छीन भी लेते हैं। तो इसलिए सही टाइम पे लेके सही टाइम पे बेचना, ये बहुत जरूरी है स्मॉल कैप में। अदरवाइज आप क्या है, हमेशा ऊपर के लेवल पे फंस जाएंगे और भाव सालों तक नहीं आएंगे, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए ये भाव अभी तक नहीं आया है 2016 का, ठीक है ना, अभी भी 2016 से बहुत पीछे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग 8 साल हो चुके हैं इस भाव को आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पी 14 का पी है, इंडस्ट्री का पी 19 का है। तो यहाँ पर शेयर क्या नजर आता है, सस्ता नजर आता है, ठीक है। और यहाँ पर बस सस्ता नजर आता है तो इसका मतलब खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, उसके हिसाब से लेना है। आरओसी आरओई की बात करें तो यहाँ देखिए शेयर यहाँ पर 25% और 20% की आरओसी आरओई दिखा रहा है। मतलब क्या, काफी अच्छा मानते हैं इस चीज को, ठीक है। और अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा और किसी को अगर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई बड़ा आदमी होगा तो यहाँ पर इस चीज को देख के ही यहाँ पर पैसे लगा देगा। बट याद रखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पर और किसी चीज के कहने पर नहीं करना है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 11% की है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 73% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा नहीं है 2.95 है। इसके अलावा इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है, 10 की फेस वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी देती है और हाई यहाँ पर बात करें 52 वीक हाई आज ही 405 रुपए का लगता हुआ नजर आया है, बट ऑल टाइम हाई आज भी टच नहीं हुआ है। इस चीज को हमेशा याद रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऑल टाइम हाई टच करने के बाद शेयर अच्छी तरह गिरा भी है, और गिरने के पीछे का रीजन क्या है कि आज इस कंपनी के क्या है रिजल्ट, तो उससे रिलेटेड आज हम बात कर लेते हैं, क्या बेकार रिजल्ट है या अच्छे रिजल्ट है वो देख लेते हैं। तो यहां देखिए
304 करोड़ रुपए की सेल जून 2021 में थी, और सेल्स यहां से देखिए लगातार धीरे 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 बढ़ के 600 करोड़ रुपए के आसपास चलती हुई नजर आई। दो क्वार्टर से सेल्स थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ही यहां पर पैसा बनता हुआ नजर आता है, न्यूज़पेपर बिकता है उससे पैसा बनता हुआ नजर आता है, ठीक है, साथ में खर्चे भी होते हैं, बट स्टिल यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेंज में चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है ना, ये गैप बहुत जल्दी फिल भी हो सकता है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ का था, वो प्रॉफिट 164 करोड़ का है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 बार से आ रहा है। मार्जिन देखिए 28% का मार्जिन निकाल रही है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट देखेंगे घाटे से 118 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, तो काफी चीजें यहाँ पर अच्छी है, ठीक है, बट थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, बट ईयरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब यहाँ पर दिखाई देता है। ईयरली बात करते हैं, ईयरली यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 1500 करोड़ से 2400 करोड़, तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। 2016 में जहाँ पर शेयर 2000 करोड़ की सेल्स करता था, वही सेल्स के लगभग थोड़ा सा ही बढ़ता हुआ नजर आया है, इसी वजह से शेयर अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जो कि इसने यहाँ पर हाई बनाया था, जो कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो इस चीज को भी यहाँ पर टच कर सकता है और क्रॉस भी कर सकता है, इस चीज को भी हमेशा हमें ध्यान में रखना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्वार्टरली बात ईयरली बेस्ड पे यहाँ पर हमने बात करी, बात करते हैं यहाँ पर रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है, 5-6 हजार करोड़ की कंपनी 2 हजार करोड़ के रिजर्व्स रखती है, मतलब क्या है, आने वाले टाइम में आपको बोनस मिल सकता है इस पर्टिकुलर शेयर से। बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर ग्रेजुअली थोड़ी सी बढ़ी है, 2 करोड़ रुपए का वर्किंग प्रोग्रेस, 66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें तो 551 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एवर कैश भी पड़ा हुआ है। तो देखिए 6000 करोड़ की कंपनी है ना, ना के बराबर बोरिंग, ठीक है, प्लस में रिजर्व्स की बात करें 2000 करोड़ के रिजर्व्स, 551 करोड़ के हाईएस्ट एवर कैश, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोई लोन नहीं देना, तो ये सारी क्या है, ये सारी चीज है अच्छी चीज इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो कंपनी में क्या है, दम है ना, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा, प्रमोटर्स के पास एज इट इज 71.93% के शेयर है, ठीक है। एफआईज की बात करें तो एफआईज यहाँ पर देखिए हिस्सेदारी बढ़ा रही है, ठीक है, यहाँ पर 13 से यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाई है। डीआईज की बात करें, डीआईज भी है 4.74%। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास केवल और केवल 9% के शेयर है, और 9% के शेयर में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीज समझ में आएगी कि बाइंग सेलिंग चलती रहती है। इसके अलावा प्रमोटर, जून में प्रमोटर्स ने 300 रुपए के भाव में अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग करी थी, ठीक है, और उसी दौरान हमने भी इस पर्टिकुलर शेयर में काफी यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग करी थी, तो अच्छा खासा शेयर यहाँ पर नजर आता है, ठीक है, बट हमने प्रमोटर को देख के यहाँ पर बाइंग नहीं करी थी, हमारे खुद के एक्सपेक्ट होते हैं, खुद के यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेस में हम यहाँ पर काम करते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो डीबी कॉर्प फंडामेंटली काफी मजबूत नजर आता है, फाइनेंशियली काफी मजबूत नजर आता है। अब बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड, बट बिफोर दैट चार्ट में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, चीजों को यहाँ पर समझे, इन नंबरों को नोट करके साथ में काम कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। देखिए गिरने शेयर के गिरने के पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहली बात तो रिजल्ट आए थे, ठीक है, तो रिजल्ट की बेस पे यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा। जैसे ही रिजल्ट आए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक भारी गिरावट, लगभग लगभग 3.5-4 लाख शेयर एक साथ ही बेच दिए गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर में यहाँ पर गिरावट आई। दूसरी बात हम बात करें, दूसरी गिरावट के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर ये स्मॉल कैप शेयर है, अगर हम यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे आपको समझ में आएगा, जो इंडेक्स हाई पे 119-180 पे चल रहा था वो यहाँ पर 19,000 मतलब नेगेटिव तक आता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है, और थोड़ा सा और गिर सकता है, तो वजह से इस शेयर में और ज्यादा प्रेशर आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेयर को अच्छी तरह गिराया गया। अब क्या नजर आता है, ठीक है, हमने फाइनेंशियल देखा, हमने सब कुछ देखा, कंपनी अच्छी नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है, बट टेक्निकल थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर शेयर हिला हुआ है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट को इसने क्या किया है, होल्ड किया है, तो यहाँ से दोबारा भाग सकता है पहली बात, और अगर यहाँ से गिरता भी है, ठीक है, 366 का लेवल ये क्रॉस करता है, गिरावट होती है, तो मुझे लगता है 350 का लेवल यहाँ पर आ सकता है, और 350 का थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है, और अगर ये आता है तो मेरे लिए क्या रहेगी, अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है,
ऐसे फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात होती है, बट आज की बिकवाली थोड़ी सीवर थी, तो अगर किसी ने खरीदा, किसी को समझा इसके रिजल्ट को, तो उसे चीजें यहाँ पर समझ में आएगी। थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है, बट जैसे ही ये शेयर निकलेगा, तो मैं जैसे कि मैंने बताया था कि 2016 का लेवल अभी तक आया नहीं है, और 2016 का लेवल है 447, ठीक है, और 447 को क्रॉस किया, ठीक है, और कंपनी ने अपना दम दिखाया, दोबारा यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया आने वाले क्वार्टर में, तो ये शेयर 800 रुपये भी टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो याद रखिएगा, मेरे कहने पर शेयर को नहीं लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, ठीक है, और चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर से थोड़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन हो सकता है, दोबारा बाउंस बैक करेगा, दोबारा 405 का लेवल भी आएगा, और दोबारा यहाँ पर ये शेयर 447 तक भी जरूर जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, और नोटिफिकेशन को ऑन करें, नंबरों को नोट करें, और साथ में काम कर सकते हो और यहाँ पर कोर्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।